हठ योग के शुद्धतम ज्ञान को आप लोगों तक अग्रेषित करने के इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है हमारा पाचन, जो कि हमारे शरीर का, हमारे स्वास्थ्य का और बहुत हद तक हमारे मन, हमारी भावनाओं का भी एक केंद्र बिंदु है। आज हम अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि तीन भागों में विभक्त रहेंगे। पहला भाग होगा हमारी जीवन शैली से संबंधित, क्यों हमें इस प्रकार की पाचन से संबंधित समस्याएं होती हैं। दूसरे भाग में हम उन योगाभ्यास के बारे में जानेंगे जो कि महत्वपूर्ण है हमारे पाचन को ठीक बनाए रखने के लिए, अगर पाचन ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने के लिए भी। और तीसरे अंतिम भाग में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको ग्रहण करके इस समस्या में विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो पूर्ण जानकारी के लिए आप एकाग्रतापूर्वक इस मार्गदर्शन को देखें। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि क्यों हमें पाचन से संबंधित समस्या हो जाती हैं और हमें इतनी सारी फिर अनेक समस्याएं इसके साथ में जो जुड़ी हुई हैं वो हो जाती हैं, क्योंकि 95% जो हमारी शारीरिक व्याधि होती हैं वो हमारी कहीं ना कहीं पाचन की गड़बड़ी से संबंधित होती हैं। तो अगर पाचन को स्वस्थ कर लिया जाए तो हम बहुत सारी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सक्रियता बिल्कुल समाप्त हो जाती है जीवन में से, जो निरंतर बैठे बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में है, कहीं अगर कोई विद्यार्थी है तो पढ़ रहा है पूरा दिन बैठ करके, बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ना ही योगाभ्यास करता है, ना ही रनिंग वॉकिंग करता है और ना ही उसके शरीर में कोई इस प्रकार का हलचल बनती है ठीक प्रकार से, जिससे कि उसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक बना रहे, जिससे कि उसका पाचन भी दुरुस्त हुआ रहे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ रहे, उसका हार्मोनल बैलेंस रहे। वो सारी चीजें, वो सारी क्रिया प्रक्रिया शरीर की तभी संतुलित रह सकती है जब एक शारीरिक क्रिया एक उचित स्तर पर हमारी चलती रहे। सबसे पहली बात कि हमें योगाभ्यास से जुड़ना होगा। योगाभ्यास का निरंतर 1 घंटे का अभ्यास भी आपके शरीर में, स्वास्थ्य में विशाल और विशेष बदलाव ला सकता है। इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो जैसे हमारा तला हुआ या फिर इस प्रकार का भोजन जो कि बासी प्रिजर्व हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में करना, और अगर कोई ऐसा भोजन करना भी पड़ जाए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी प्रकृति के लिए ठीक नहीं, उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेना ये तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर आप कोई जंक फूड खा भी रहे हैं किसी कारणवश या फिर कोई और उपलब्धता नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इच्छा से ही खा रहे हैं तो इतनी कम मात्रा में खाएं जिससे कि आपके शरीर में विषाक्तता न बन सके। अगर विषाक्तता एक बार बनती है और थोड़ा सा भी आपका शरीर आपको इंडिकेट करता है कि हाँ शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसके प्रति सचेत रहें। मैंने कितने ही व्यक्तियों को कहते हुए देखा है कि ब्लोटिंग हो रही है, एसिड बन रहा है, गैस की समस्या है, कि कोई बात नहीं है कल तक ठीक हो जाएगी, या फिर सो जाएंगे रात्रि में तो सुबह तक तो ठीक हो जाएगी। ये अवधारणा किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि समस्या क्या है? अगर हमारा शरीर हमें कुछ बता रहा है तो वो इसलिए कि उस तरफ ध्यान दिया जाए, उसको दोबारा न किया जाए, और अगर समस्या ज्यादा है तो तत्काल उसकी तरफ ध्यान देके उसको ठीक किया जाए, ना कि उसको इग्नोर कर दिया जाए और बार बार उन्हीं चीजों को कर किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर शरीर में बहुत सारी व्याधियां, अल्सर हो जाना, बहुत जीर्ण रोग हो जाना, निरंतर पाचन खराब रहना, और फिर जब रस अशुद्ध हो जाता है जो कि हमारे भोजन से रस बनता है, अगर वो रस ही ठीक प्रकार से नहीं बनेगा तो आगे की सप्त धातुएं ठीक, रस, रक्त, मांस, मेद, वो आपको पूरा पता ही है कि किस प्रकार से फिर शरीर का एक एक अंग संस्थान, एक एक कोशिका तक वो विषाक्तता पहुंचती है। तो इससे बचने के लिए जो है आहार की शुद्धि और व्यायाम, दो बिंदुओं को आप अनिवार्य समझ लें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आपको 2-3 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें करनी है योगाभ्यास के साथ साथ, योगाभ्यास से पहले, जो कि आपको इसमें विशेष सहायक होंगी। सबसे पहली बात यह है कि आपको प्रातःकाल उठ के ही योगाभ्यास करना है। कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो खाली पेट, पूरी तरह से जब पेट खाली होता है तब ही करते हैं उन्हें, तो उनका ज्यादा लाभ आप उठा पाएंगे। दूसरी बात, आपको उषापान करना है। प्रातःकाल उठते ही आपको अपनी क्षमता के अनुसार जल ग्रहण कर लेना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि भोजन ग्रहण करने से आधा घंटा पहले आपको थोड़ी मात्रा में जल ग्रहण करना है। 15 मिनट के बाद जल ग्रहण करने के आपको मकरासन का अभ्यास करना है, और उसके 15 मिनट के बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। तो 2 नियम बना लें कि एक मकरासन और वज्रासन, मकरासन भोजन करने से पहले और वज्रासन भोजन करने के बाद, इन दोनों आसनों का तो निरंतर अभ्यास करना ही है। मकरासन करते हुए आप जैसे ही सोचेंगे कि अब मुझे खाना खाने के लिए तैयार होना है, तो आपके नर्वस सिस्टम की तरफ एक सिग्नल जाता है कि अब हम पाचन को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि अब हम अपने
पेट को कुछ देंगे, वो तैयार है हजम करने के लिए, उससे हमारे पोषक तत्व निकालने के लिए। तो बहुत सारी चीजें नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, तो हमने एक सिग्नल भेज दिया और उस आसन के माध्यम से हमने एक्टिवेट कर दिया अपनी जठराग्नि को, जिससे कि अच्छे लाभ मिलेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए आपको मानसिक स्तर पर शांत रहना है, प्रफुल्लित खुश रहना है, इसका भी आपके पाचन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम अपने कुछ योगाभ्यास शुरू करते हैं जो कि विशेष उपयोगी हैं। सबसे पहले हमारा आसन होगा सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हमने पहले भी एक अलग से वीडियो बनाया था, लेकिन अभी भी हम थोड़ा तेजी से कुछ आसनों को करके आपको बताते हैं। आपको इन आसनों में रुकना है, हम अधिक समय तक रुक के आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अपने आप समझें कि एक एक आसन में लगभग 5 मिनट का अभ्यास बनाएं। जो आसन ऐसे हैं जो कि कठिन है, उनमें मैं आपको बताता हूं कि कितनी देर करने हैं, लेकिन जैसे सर्वांगासन है तो 5 मिनट का अभ्यास सर्वांगासन का करना है। आपको अपनी मैट पर सीधा लेट जाना है। सीधा लेटने के बाद आपको धीरे धीरे से अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है और अर्धहलासन की स्थिति में जाना है। यहीं से अपने पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना है। ये थोड़ा सरल पड़ेगा उनके लिए जिन्हें अभी सर्वांगासन का अभ्यास नहीं है, वो इस प्रकार से अपने पैरों को पीछे लेके जाएं। इससे आपका पेल्विक रीजन ऊपर उठ जाएगा, आपके बटक्स ऊपर उठ जाएंगे और यहीं से आप अपने पैरों को सीधा करना शुरू करें धीरे धीरे। इस प्रकार से इस आसन में आपको कुछ समय तक रुकना है और फिर धीरे धीरे से अपने पैरों को वापस नीचे लेकर के आना है। अब यहीं पर आपको लेटे रहना है और यहीं से आपको दूसरा आसन करना है। दूसरा आसन है कंधार आसन। कंधार आसन भी पाचन के लिए आपके विशेष रहेगा, क्योंकि इसमें आपको जो एब्डोमिनल मसल है और ऑर्गन है उनकी एक मालिश हो जाएगी, वो स्ट्रेच होंगे और आपके हार्मोनल बैलेंस और सीक्रेशन सभी ग्लैंड से और ऑर्गन्स पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इस प्रकार से अपनी एंकल को पकड़ लेना है और यहीं से अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाना शुरू करना है धीरे धीरे। इतना ऊपर उठाना है जितना आप सहजता से अधिक उठा सके। ऊपर जाने के बाद आपको रुक जाना है। कुछ समय इस आसन में रुका रहना है और फिर वापस। ध्यान रखें कि जब आसन में ऊपर जा रहे हैं तो पूरा सांस बाहर छोड़ दें, फिर सामान्य श्वास पर श्वास चले और जो आपके पेट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है इस आसन में जाने के बाद उसे अनुभव करना है। प्रभाव ये पड़ेगा, आपका पेट थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा और आपके जो उदरांग हैं, अंदर के जो अंग हैं आपके पेट के, वो सारे अंदर की तरफ थोड़ा खिंचाव महसूस करेंगे आप उन अंगों पर। वहां पर ध्यान और एकाग्रता बनाए रखें। एकाग्रता इस आसन में मणिपुर चक्र यानी कि नाभि पर रखी जाती है। बहुत सारे बंधुओं का ऐसा भी प्रश्न होते हैं कि हमारी नाभि की समस्या है, नाभि टल जाती है, और ये बात ध्यान रखें कि मणिपुर चक्र के अव्यवस्थित हो जाने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, मणिपुर को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए सीधे लेटे रहें, पैरों को सामने की तरफ कर लें और धीरे धीरे से करेंगे हम उत्तान पादासन का अभ्यास। उत्तान पादासन के लिए आपको अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में अच्छे से सटा लेना है और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है और ऊपर उठा करके होल्ड करना है। इस आसन के अभ्यास में आपको विशेष प्रभाव अनुभव होगा अपने पेट के ऊपर। इस प्रकार से अपने पैरों को उठाना है और यहीं पर रोके रखना है। कुछ समय रोकने के बाद धीरे धीरे से नीचे लेके जाएंगे। इस आसन का अभ्यास आप 3 बार कर सकते हैं और एक बार में आप 1 मिनट से 2 मिनट 3 मिनट इस प्रकार से अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। यहीं पर लेटे लेटे आपको इससे आगे का अभ्यास करना है जो है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आपको लेटे लेटे पद्मासन लगा लेना है। पद्मासन लगाने के बाद आपको इस प्रकार से आगे की तरफ पैरों को रख लेना है और उसके बाद अपने अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ लेना है और धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ से मोड़ते हुए इस स्थिति में लेकर के आना है। यहीं पर गहरे लंबे सांस लेने हैं और इस स्थिति में रुके रहना है कुछ समय के लिए। अगर आपको इस प्रकार से गर्दन के पोस्चर में अगर असुविधा होती है, नहीं हो पाता है, तो यहीं से पीछे जाते हुए सामान्यतः इस प्रकार भी इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उपयोगी है। एकाग्रता ठीक प्रकार से मणिपुर चक्र यानी कि नाभि पर आपकी इस आसन में भी बनी रहे। इससे आगे बढ़ते हुए आपको नौकासन का अभ्यास करना है।
नौकासन के लिए आपको अपने पैरों को उठाना है इस प्रकार, और हाथों को अंगूठों की तरफ पैरों के इस प्रकार रखना है, दृष्टि भी अंगूठों की तरफ रहे। इस स्थिति में कुछ समय तक रुकना है और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना है। इस आसन का अभ्यास भी आपको 3 बार करना है, और एक बार में आपको इसको पहले 1 मिनट फिर 2 मिनट इस प्रकार से बढ़ाते जाना है। जितना अधिक समय तक रुक पाएंगे उतना अच्छा आपके पाचन के लिए ही रहेगा। जिन बंधुओं को इस प्रकार की समस्या रहती है कि नेवल डिस्प्लेसमेंट, उनकी नाभि टल जाने की समस्या रहती है, बार बार नाभि टलती है, उनके लिए ये नौकासन का अभ्यास, और जो लेट कर हमने 30 डिग्री पैरों को उठाया है वो उत्तान पाद आसन का अभ्यास, ये दोनों अभ्यास इनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बाद आपको वज्रासन का अभ्यास करना है, जो कि मैंने आपको बताया कि खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट तक इस आसन में बैठना है। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा टहल सकते हैं, टहलने के बाद इस प्रकार से इस आसन में बैठेंगे तो ये विशेष उपयोगी है। वज्रनाड़ी जो कि हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है, वो इससे प्रभावित होती है और पाचन पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। जो व्यक्ति वज्रासन को आराम से कर पा रहे हैं उनका ठीक है, इस प्रकार से हम अच्छे से बैठें और अंगूठे हमारे पीछे से स्पर्श रहें आपस में, और दोनों एड़ियां हमारी दाएं और बाएं इस प्रकार रहे और हम पैरों के बीच में अच्छे से बैठ सकें। जिन व्यक्तियों को ऐसे वज्रासन में बैठने में असुविधा होती है, दिक्कत होती है, वो यहाँ पर एक तकिया रख सकते हैं जिससे कि उन्हें ये असुविधा न हो, और घुटनों में अगर किसी प्रकार का दर्द बनता है वो नहीं होगा। तकिया यहाँ पर भी रखा जा सकता है और तकिए पर नीचे बैठा भी जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस आसन को अच्छे से साध लेने के बाद आपको अगले आसन की तरफ बढ़ना है, जो है सुप्त वज्रासन। इसमें मैं आपको 3 अलग-अलग स्तर बताता हूँ इसके, वो इस प्रकार है कि पहले स्तर पर तो आपने इस प्रकार अपने हाथों को पीछे आप ले करके गए और आपने ऐसे ऊपर देखा और यहीं पर आप रुके। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कुछ अच्छी है वो इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। जो इस प्रकार से सहजता से कर पा रहे हैं वो पूरा पीछे लेट जाएंगे और इस स्थिति में आकर के रुकेंगे, अपने हाथों को अपनी जंघाओं पर ऐसे रखेंगे और आराम से लेटे रहेंगे। आप देखेंगे जैसे ही आपकी सांस की गहराई बढ़ती जाएगी, आपके पेट में एक विशेष खिंचाव और एक विशेष अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। ध्यान इसमें भी मणिपुर चक्र पर ही बना रहे। इस स्थिति में जितने देर तक हो सके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक रुकेंगे तो इसका लाभ होना आपको शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर हम किसी भी शरीर के अंग को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसमें हमें योगासनों को कुछ अधिक समय देना पड़ेगा, तभी उनसे हमें विशेष लाभ होंगे। इस स्थिति में कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे से वापस इस प्रकार से हम उठ जाएंगे और वापस वज्रासन की स्थिति। अभ्यास कर लेने के बाद जो आपको अभ्यास करना है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का स्तर ठीक प्रकार से नहीं रहता है तो हमारा शरीर का कोई भी अंग ठीक से कार्य नहीं कर सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता। जितनी बड़ी मसल होगी, जितनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत भी वहाँ पर पड़ेगी। तो पाचन को भी ठीक बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे शरीर में ठीक से बने रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आप समझें कि आपको ठीक प्रकार से ऐसे बैठ जाना है और गहरी लंबी सांसें लेनी शुरू करनी है। विस्तार से एक पूर्व की वीडियो में बताया गया है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप इतना ही समझें कि सीधे बैठ करके कोई भी आरामदायक आसन लगा के कमर सीधी करके और गहरे सांस आपको लेने हैं। इस अभ्यास को कर लेने के बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, वो भी उपयोगी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक उपयोगी और हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है और विस्तृत है, उसके बारे में पहले मार्गदर्शन हुआ है। अवश्य ही नाड़ी शोधन जो प्राणायाम की वीडियो है वो आप देख लें,
इनसे आपको विशेष लाभ हो जाएंगे। तो हमने अभी कुछ आसनों के अभ्यास किए जिनका निरंतर अभ्यास करने से आप कुछ ही समय में विशेष लाभ अनुभव करना शुरू कर देंगे। कुछ चीजें विशेष और ध्यान रखें, जिनको बैक में कोई विशेष इंजरी हुई है या फिर कोई सर्जरी हुई है, पेट से संबंधित किसी को हर्निया आदि के ऑपरेशन हुए हैं या फिर किसी के पेट पर बहुत स्वेलिंग है, वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास न करें, अग्निसार क्रिया का अभ्यास न करें। जो ठीक है, स्वस्थ है, बस अपने पाचन को और अच्छा करना चाहते हैं या उनको सामान्य गैस एसिड की समस्या है, वो कपालभाति आदि अभ्यास कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं अपने पाचन को और दुरुस्त और बेहतर बनाने के लिए, तो ऐसे समझें कि आपको जो सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, आपके पेट को विशेष लाभ आपको एक महीने के अंदर ही उससे दिखाई दे जाएंगे और पहले हफ्ते से कुछ अनुभव तो होना शुरू हो ही जाएगा। आपको करना इतना है कि आपको सबसे पहले एक हफ्ते में एक बार फलों का प्रयोग करना है, केवल फलों को ग्रहण करना है हफ्ते में एक बार, और आपको हफ्ते में दो से तीन बार चावल और चावल के ऊपर दही डाल करके, दही बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि मलाई से बनाई हुई दही हो, हल्की सामान्य दूध की दही, वो मिला करके उस पर थोड़ा सा धनिया पाउडर आप डाल लें और उसे आप अगर ग्रहण करते हैं विशेष आपको लाभ मिलेंगे, विशेष लाभ। अगर किसी का पाचन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उनको चावल बनाते समय उनका जो मांड उसे कहते हैं उसको उतार लेना है, उबाल के ज़्यादा पानी थोड़ा चावल में डाल लें, उबाल लें और पानी को उतार दें, चावल को ग्रहण करें, दही डाल के विशेष आपको फ़ायदा मिलेगा। दही आपके खुद के बनाई हुई या घर से दूध प्राप्त हुआ हो तो वो और अधिक उपयोगी रहेगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रख के करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। अंत में मैं आपके साथ एक अभ्यास और साझा कर दूं, जो कि हमने पहले ही बताया था कि मकरासन का अभ्यास, जो कि आपको भोजन करने से पहले करना है। सरल सा अभ्यास है, अंतिम अभ्यास है, बस ये एक पूरी जानकारी को आप याद रखें तो विशेष फायदे आपको होने शुरू हो जाएंगे। करना कैसे है, ऐसे आपको अपने पेट के बल आ जाना है और इस प्रकार से अपने हाथों के ऊपर फेस को रख लेना है और उसके बाद आप ऐसे पैरों को मोड़ सकते हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे संचालन कर सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार से भी हाथों को रख सकते हैं। बस इसी में रहते हुए आपको ये भावना करनी है कि अब भोजन का समय है, अच्छे से भूख लगी हुई है, हमारा पाचन पूरी तरह से ठीक है, किसी प्रकार का चिंता तनाव नहीं। इस आसन में आप ईश्वर का स्मरण चिंतन कर सकते हैं या फिर अपने जीवन का कोई एक अच्छा पल, अच्छा अनुभव, उसे आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आसन का अभ्यास करें और इससे विशेष लाभ होंगे। आज के लिए यही एक विशेष मार्गदर्शन था। इन सब चीज़ों को समझ के ठीक से अभ्यास करेंगे तो आपके पाचन से संबंधित समस्याओं में आपको विशेष विशेष लाभ अनुभव होंगे। इस जानकारी को समझें, अपने बंधुओं तक अग्रेषित करें और खुद भी इससे लाभ उठाएं। आप सभी के मंगल की कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।